थोड़ा सा घूम के आते हैं मदर के साथ। एक अंकल हैं उनके घर जाना है, फिर राठी भैया हैं जो डॉक्टर हैं उनके घर जाना है, मंदिर है वहाँ जाना है, तो तीन जगह जाना है। तो पहले मंदिर जाएंगे तो इसलिए थोड़ी सी मिठाई ले लें। सामने तो अपनी दुकान है ही फ्रूट की, नकुल भाई की, और इसके सामने दून बर्फी है, और इसके बराबर में खुली थी एक होटल, खुला था लेकिन जो बहुत जल्दी बंद हो गया, समोसे वगैरह रखे हुए थे, अब फाइनली ये खोल लिया है। बिजनेस बहुत जल्दी खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सी मिठाई लेनी है। दून बर्फी वाली ले लो, वैसे तो ये भी अच्छी है, नहीं चॉकलेट वाली पड़ो 600 रुपये की जी, ये ठीक है इनके भी। चलो दो लड्डू ये वाले खा के देखते हैं, आटे वाले। मिठाई तो ले ली, एक दर्जन केले और ले लेते हैं, मंदिर में चढ़ाना है। ये नकुल भाई हैं अपने। राजपुर रोड, ये आ गया यहाँ का सेंटर पॉइंट तिलाराम चौक। पूरा चक्राता रोड है, हमने क्लॉक टावर से राइट ले लिया और पूरा मोबाइल का मार्केट है लेफ्ट और राइट में, पूरा ओप्पो रियलमी शाओमी वीवो सब ऐसे ही लगे हुए हैं, जैसे कैपरी सेंटर है ना दिल्ली में, इसी तरह से यहाँ भी लैपटॉप ठीक होते हैं, मोबाइल ठीक होते हैं। हमारे सुद्धवाला की तरफ यहाँ से काफ़ी स्टेट जाना है, 10 किलोमीटर स्टेट जाना है अभी। बंसल जी की एक दुकान यहाँ है काठी रोल की, इस LIC की बिल्डिंग में, पीले वाली में, मतलब बंद हो रही है क्योंकि केस का रखना, LIC कह रही है मैं बिल्डिंग खाली करो। राइट साइड में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है ये FRI, और देखो ये मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं पेड़ों के ऊपर या जितनी भी फ्लोरा है। देखो इन्होंने बांस उगाए हुए हैं, कितने बड़े बड़े बांस उगाए, वैसे नॉर्मली इतने बड़े बांस उगते नहीं है, बंदर बैठा हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने का गेट है ये, अंदर अलग अलग तरह के पेड़ हैं, सफ़ेदे के पॉपुलर के, काफ़ी बड़ा FRI। ये आ गया FRI, इंडियन मिलिट्री एकेडमी चल रहा है अभी IMA। ये देखो ये मेन है, ये मेन गेट है इनका, एक लेफ्ट में कितना बड़ा झंडा और एक राइट में, FRI के बाद ही आता है ये, अभी आएगा प्रेमनगर फिर सुद्धवाला। मंदिर से भी आ गए और अंकल के घर होके भी आ गए, अब जा रहे राठी भैया के घर, चल रहे हैं वसंत विहार में, काफ़ी पोश एरिया है यहाँ का, अभी ग्रीन लाइट हो गई है। आ जाओ, वहाँ चाबी निकाल ली, सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, यहाँ पे लेमोनेड बेकरी है तो इस पे देखते हैं कुछ मिलता है क्या। पेस्ट्री खा लेते हैं, अपना सैंडविच भी आ गया और क्रोसेंट भी आ गया, पनीर क्रोसेंट। पहुँच गया हूँ घर पे भैया के, पहुँच गया भैया के पास, और ये विवान है। शैतान, इनका झरना देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इसमें धुआं भी निकल रहा है, करंट मारेगा ना, करंट नहीं, अच्छा शायद वो एवोपरेट करके, अच्छा 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 गर्म होता है इसलिए धुआं निकल रहा है इससे। अरे वाह, बढ़िया है। ये वाला पत्थर भैया चंद्रशिला से लाए थे, अलग ही चमक रहा है, वैसे ऐसे पत्थर यहाँ नहीं है। चंद्रशिला का मतलब यही है कि वो चांद में चमकता है। अच्छा, चंद्रशिला होता है फुल चांद निकलता है ना, फुल मून। अच्छा, लोग बता रहा था कि तो वो ना पत्थर चमकते हैं, चमकते ऐसे हैं। जैसे शाइन करें ना सिल्वर टाइप। अच्छा अच्छा, फुल मून में, फुल मून में। अरे वाह, ये चमकते होंगे बहुत। हाँ, अच्छे। अरे वाह, इन पर अगर तुम लाइट डालोगे तो ये ऐसे चमकते हैं। सबसे हाईएस्ट टेंपल है वो शिव जी का। तो मैं वहाँ से बैग भर के लाया था। अरे वाह, वजन नहीं है इनमें, देख कितने लाइट वेट है, वजन नहीं है, वजन कम है जिस हिसाब से वो है, बहुत लाइट वेट है। ये नहीं पता था मुझे, मैं भी ले आऊंगा अगली बार। दीवान के टेबल पे ना पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, और कुछ ना कुछ पूरा दिन निकाल के खाता रहता है। ये क्या खा रहा है, चिप्स? नहीं, मिर्ची। और क्या क्या रखा है, क्या क्या चीजें खाने की तेरे पास, जिसको मैं खा सकता हूँ, जिसको मैं खा सकता हूँ, मुझे चाहिए खाने को कुछ। कुछ ये ले लूँ? हाँ। चिप्स ले लूँ? छोड़ो, कहाँ भागेगा, कहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। अभी थोड़ा सा पास में जा रहे हैं, मोमो वाला है ये, रहा मामा मोमो है ना लेफ्ट में। अच्छा, ये इस तरफ है, पीछे की तरफ है ये। ओके।
पहुंच गए मामा मोमो पे, ये मलिक चौक पे। भैया बता रहे कि इसके मोमो अच्छे लगे होते हैं। हाँ छुटकी क्या चाहिए? मोमो दिला दो। मोमो तो कभी ना दिलाऊ, बहुत हार्मफुल होते हैं, पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगी। चाउमीन तो उससे भी खतरनाक होती है। चाउमीन ना मोमो कभी नहीं खाना। कुछ और दिला दो। अभी नहीं दिला सकता, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा खाने लायक जो बढ़िया हो। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बच्चे खा सकें। ये बैठा इसको भी नहीं खिला रहे। ये देखिए पीछे भी बैठा है विवान। ये विवान है पीछे, इसको भी हम कुछ नहीं खिला रहे। ये बैठा हुआ है, चाउमीन मांग रहा था, हमने मना कर दी कि चाउमीन तो बिल्कुल ना मिले। इसमें क्या है? इसमें भैया के घर पे खाना हो रहा है। क्या क्या बनाया? पनीर, आलू, रायता। ये गाजर के पेड़ है, मैं भी थोड़ा क्या चीज है ये। अरे वाह, चलो इसे लेते हैं एक को। चलो भाई अपनी रोटी आ गई है। The next day. Hello, good morning. सुबह के 8:15 हो रहे हैं और यहाँ का मौसम देख लो भाई कैसा है। सुपर इन्वायरमेंट, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्या धूप निकल चुकी है पहाड़ों पर, चिड़िया बोल रही है, सुपर। अभी रील बनाता हूँ छत पे जाके और वो रील आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखने को मिलेगी। इस पूरे पहाड़ की रील बनेगी और डिस्क्रिप्शन पर लिंक है इंस्टाग्राम का, जिसने फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लेना। छत से ये माहौल है फिलहाल, सुपर। और ये देखो यहाँ पे ये पुस्ता बना दिया इन्होंने पूरा, ताकि अब मानसून में जो पानी आएगा वो इसके दीवार के इस तरफ से जाएगा और उधर कुछ डैमेज नहीं पहुँचाएगा। बहुत जल्दी इन्होंने पूरा भर दिया और इनके पास काफ़ी ज़मीन आ चुकी है अब तो। मैं बता दूँ यहाँ पे सारी प्लॉटिंग बिक चुकी है। ये वाला घर जो वाइट वाला, अभी से एक भाई ने बिल्ड किया है और ये शायद 75 लाख के करीब का बिक रहा है। किसी को चाहिए तो बता देना भाई डिस्क्रिप्शन में। और ये पूरा पूरे मसूरी के पहाड़ हैं। और जो हमारे घर के पीछे भी प्लॉटिंग हो रही है, ये भी सब बिक चुकी है। मतलब इस प्लॉटिंग ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये जो प्लॉटिंग हुई है ना, ये इतनी जल्दी हुई है, 26,000-25,000 के रेट पे सब बिक चुका है। और अब तो यहाँ पे बढ़ गया होगा ऑलरेडी, 27,000-28,000 हो रहा होगा। और उधर स्कूल है, पूरा कॉलेज की बाउंड्री है, उधर भी कोई कॉलेज बन रहा है यहाँ पे पूरे में। और मतलब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, कोई भी प्लॉटिंग नहीं। अगर प्लॉटिंग मिल भी रही होगी थोड़ा वहाँ पे पहाड़ों पे जाके, थोड़ा सा उस तरफ मिल रही होगी। चलो साइकिलिंग पे चलते हैं आज। बुलबुल बर्ड भी आ चुकी है, निकलता हूँ साइकिलिंग के लिए। आज मैंने ये लगा लिया है, इस पे रख के मोबाइल से रिकॉर्ड करें। हेलो वंस। तो वंस मिल गया है। आज हमने सोचा कि माल देवता की तरफ जाते हैं। कैप क्यों लेके आया? कैप क्यों लेके आया? अच्छा तो इसके हेलमेट के अंदर ही पहन लेगा? नहीं, जब जैसे थोड़ी भागते अच्छा। हैं तो इसको उतार के। मैंने ट्राईपॉड लगा लिया साइकिल के ऊपर, तो इसके ऊपर ही ना मैं यहाँ पे कैमरा लगा के टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। अभी जंगल से जा रहे हैं, अभी ये करता हूँ रिकॉर्ड।